कहेंगे शपथ ग्रहण तो भी हो गया है, कुल चेहरे होंगे जिनको मंत्री बनाए। देखिए नई सरकार बनी है, नई सरकार को बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जो देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ और उसका असर पूरे देश में दिख रहा है और उसी का बड़ा असर बिहार में हुआ है। ये पहला इफेक्ट बिहार में हुआ है और बिहार की सरकार भी जय श्री राम हो गई है जी। स्वीकार रहे यही समय है, सही समय है और बिहार में सही सरकार बन गई। नीतीश जी इंटैक्ट रहेंगे आप लोग के साथ? रहेंगे ही, बिल्कुल रहेंगे और बड़े अच्छे से रहेंगे, ये बात भी आप लिख कर रख लीजिए। लगातार आप लोग आलोचक रहे, चिराग पासवान भी नाराज दिख रहे हैं। नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं है, निशांत मिश्रा ये कोई नाराज नहीं है, सब प्रसन्न है। इसी सरकार को बिहार की जनता ने चुना था 2020 में, आज फिर से वही सरकार बहाल हुई है, इसलिए पूरा बिहार प्रसन्न है, सभी लोग प्रसन्न है। ये पूरी कैबिनेट में दिखाई दे रही है और टारगेट भाई, इतना जरूर मैं जानता हूँ कि 2024 के लोकसभा में अब एनडीए का हर एक सांसद एक बड़े बहुमत से जीतने जा रहा है, उसमें कम से कम अब कोई संदेह नहीं। आपको वादा किया गया है कि आपका पूरा सम्मान किया जाएगा, इस टाइम को मैं कितनी गंभीरता से लेंगे भाई। सम्मान क्या है, वो एक जब आपस में तालमेल खूबसूरत रहता है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने साथ विमान में लेकर आए, साथ में हम लोग बैठे, चर्चाएं हुई, हर मुद्दे पर चर्चा हुई, ये अपने में गठबंधन को और खूबसूरत बनाता है। इस बार 40 में से 40। नीतीश जी सर इंटैक्ट रहेंगे आप? नीतीश जी इंटैक्ट रहेंगे आप लोगों के साथ? भाई मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा हूँ और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने का काम ये एनडीए की सरकार करेगी। नीतीश जी थके हुए मुख्यमंत्री थे, धक्का मार के काम कर, पांच पांच विभाग को जिस तरह लूटे है ना, सब हिसाब होगा। लगता था राजद में कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं है, जिस तरह वो पांच पांच विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, पर्यटन, मतलब कोई ऐसा विभाग नहीं जिन्होंने नहीं लूटा है। जो भ्रष्टाचार का आलम था तो सारा उनको जवाब देना होगा। नीतीश कुमार पर भरोसा रहेगा, इंटैक्ट रहेंगे आप लोग? निश्चित रूप से, जो हालत बिहार की हो गई थी, जो भ्रष्टाचार का जो आलम था बिहार का, तो निश्चित रूप से अब फिर से जो है डबल इंजन की सरकार चलेगी, विकास का दौर चलेगा और भ्रष्टाचारियों का जो है अंत होगा। सर भाजपा के राजभवन मार्च के दौरान जो कार्यकर्ता की हत्या का आप लोग आरोप लगा रहे थे, आप भी बहुत मुखर रूप से विरोध कर रहे थे, क्या वो सारी बातें आप? नहीं, जो हालत बिहार की थी बहुत बदतर हालत राजद ने कर दिया था, बिहार का हालत बहुत बदतर हालत कर दिया था। तो अब डबल इंजन की सरकार होगी, विकास का फिर से नरेंद्र मोदी जी का विकास चलेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।